नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में, मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक बेहद ही अहम न्यूज को लेकर के। बता दें कि महाराष्ट्र में लाचार दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे से उम्मीद रह गई है अब। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य में जल्द ही कांग्रेस और मनसे का गठबंधन देखने को मिल सकता है। दरअसल इस चर्चा की वजह है सोनिया गांधी और राज ठाकरे का मिलना। आपको बता दें कि राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि यह बैठक करीब एक घंटे तक चली और सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे ने सोनिया गांधी से आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी की। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर के भी बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल की बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की ठीक से समीक्षा भी नहीं कर पाई और अब उनके सामने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के भरोसे उतरने की तैयारी में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि देश भर में लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी राहुल गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को अब महाराष्ट्र में चुनावी बेड़ा पार लगाने में महज एक राज ठाकरे ही आखिरी उम्मीद बची लगती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूबे में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दोनों ही पार्टियां राज ठाकरे की MNS पर डोरे डालने में जुटी हुई है। राज ठाकरे से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं का MNS सुप्रीमो राज ठाकरे से मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में MNS से गठबंधन की तैयारी को अमली जामा पहनाने की विपक्षी कोशिशें तेज हो गई है। वैसे भी चुनावों में चारों खाने चीत पड़ी राहुल गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अब इतनी लाचार सी दिख रही है कि चुनावी बेड़ा पार लगाने के लिए नए नए नुस्खों पर पार्टी माथापच्ची करती दिख रही है। महाराष्ट्र में अक्टूबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा दोनों पार्टी सूबे में चुनावी नैया पार लगाने के लिए राज ठाकरे की दहलीज पर बार बार दस्तक दे रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की ताजपोशी के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खामोशी से राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंच गए। उसके बाद कांग्रेस के नेता मणिकर राव ठाकरे भी MNS प्रमुख राज ठाकरे से बैठक करके आए और दोनों ही पार्टियों के ज्यादातर नेता विपक्षी पार्टियों के महाराष्ट्र में बन रहे महागठबंधन में राज ठाकरे की MNS को जोड़ने की वकालत कर रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन सूबे में घूम रहे कांग्रेस और एनसीपी के सियासी किलों को ढहने से बचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। स्वयं घोषित कांग्रेस और एनसीपी के स्टार प्रचारक भी बन बैठे थे। राज ठाकरे अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी करके कोसते नजर आए थे। हालांकि राज ठाकरे की एक ना चली और बीजेपी शिवसेना 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस एनसीपी चाह रही है कि आगामी चुनावों में राज ठाकरे इसी तरीके से भाजपा पर हमला करते रहें और कांग्रेस और एनसीपी का काम आसान कर दे, जिससे कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ा टक्कर दिया जा सके। वैसे तो शरद पवार की रणनीति और उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो काफी मायने रखता है किसी भी चुनाव के मद्देनजर, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है कांग्रेस को, यूपीए को, कांग्रेस गठबंधन को, उससे देख करके तो यही लग रहा है कि शायद शरद पवार की जो रणनीति रही है, जो एक्सपीरियंस रही है पुरानी, अब वो थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब कोई भी पुरानी रणनीति इस नए जमाने में चलती नहीं दिख रही है, या ऐसा कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने या मोदी के नए लहर के सामने टिक पाने में सक्षम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मनसे के साथ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कर पाने में विधानसभा के चुनाव में कुछ अलग नतीजे सामने आ सकते हैं? क्या कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टी इसका लाभ ले सकती है राज ठाकरे के साथ मिल करके, या फिर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन एक बार फिर से हावी होगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद से काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और उन्होंने एक से बढ़कर के एक काम करने की जो अपनी एक्टिविटी दिखाई है उसमें वो काफ़ी सराहे गए हैं। और अब महाराष्ट्र में NDA सरकार के इम्तिहान का वक्त आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या NDA सरकार अपनी सीटें बचा पाने में, सरकार बचा पाने में सफल हो पाती है, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्ष भारी पड़ेगा। आप हमें जरूर शेयर कर अपने विचार इस चुनाव को लेकर के। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ अन्य न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।